सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। आसू पार्टी द्वारा गिरिडीह में आयोजन कार्यक्रम में लगातार उमड़ रही है महिलाओं की जनसैलाब। आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के निर्देशानुसार 16 अक्टूबर 2022 को आसू पार्टी गिरिडीह की टीम ने एक जिला स्तरीय महिला मोर्चा का सम्मेलन का आयोजन सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गिरिडीह में किया। इस सम्मेलन में गिरिडीह के सभी प्रखंडों से आई हुई महिलाओं ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रियंका शर्मा ने किया। बैठक में उपस्थित जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, गांडे विधानसभा प्रभारी अर्जुन बैठा, डुबरी विधानसभा प्रभारी यशोदा देवी, साथ ही गिरिडीह सदर प्रमुख पूनम देवी, जिला और प्रखंड की कई महिलाएं कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद थी। सम्मेलन में 1000 से ज्यादा महिलाओं ने भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मुख्य रूप से इस आयोजन में गांडे एवं बेंगाबाद प्रखंड की ज्यादातर महिलाओं ने भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रियंका शर्मा ने कहा कि हमें सड़क से लेकर सदन तक अन्याय के खिलाफ लड़ना है। सड़क का प्रदर्शन हम महिलाएं संभालेंगे, सदन का प्रदर्शन हमारी पार्टी से जीते हुए जनप्रतिनिधि विधानसभा में संभालेंगे। आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए गांडे के अर्जुन बैठा एवं डुमरी के विधानसभा प्रभारी ने बिगुल फूका है। हम कहा है कि जिस तरह से महिलाओं के समर्थन हमें मिल रहा है, विधानसभा का रास्ता दूर नहीं है। आसू पार्टी जरूर अपना परचम गांडे एवं डुमरी में लहराएगी। साथ ही महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ने अपनी सभी प्रखंड एवं पंचायत की टीमों को निर्देश दिया कि मार्च 2023 के पहले हर पंचायत में कम से कम 300 महिलाओं की टीमें हमें खड़ी करनी है। गिरिडीह से चंदन पांडे के साथ चैताली पाठक की रिपोर्ट। जी, आज महिला मोर्चा का सम्मेलन था, काफी संख्या में महिलाएं आई हुई है, क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का, थोड़ा जानकारी देंगे? आज 2400 जिला में आसू पार्टी की तरफ से महिला मोर्चा का जिला सम्मेलन हो रहा है, और जैसे कि गिरिडीह जिला में भी आप देख रहे हैं 13 प्रखंडों से महिला आई हुई है, आसू पार्टी से जुड़ी हुई है। बहुत सारी महिला आज पहली बार हमारे पार्टी में आई और सदस्यता ग्रहण की। कुछ नगर से आई, कुछ 15 पंचायत से आई हैं, कुछ गांडे से आई हैं, कुछ बेंगाबाद से, कुछ डुमरी से, ऐसे करके बहुत सारी नई महिलाएं लोग हम लोग का सदस्यता ग्रहण की है। और हमारा पार्टी का मुख्य लक्ष्य यह है कि हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष और पंचायत सचिव मिल करके हर पंचायत में जिला प्रमुख बनाए, और वो पंचायत अध्यक्ष और सचिव का के अंडर में लगभग हमारे पंचायत से, एक पंचायत से 300 महिला लगभग जुड़े, और जिसके कारण हमारा पार्टी का महिला मोर्चा का टीम संगठन बहुत मजबूत होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं बढ़ चढ़ करके भागीदारी ले रही है, इसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ, खुश हूँ कि इतनी सारी महिलाएं आज हमारे सम्मेलन में आए। धन्यवाद।